भटूरा छोला हमारा एकदम बन के रेडी हो गया है। अब देख रहे हैं, काफ़ी देर पहले ही बनाए थे, एकदम फूला फूला बना हुआ है। ये कितना बढ़िया है दोनों, चलते हैं बनाने के लिए। पहले हम छोला बनाएंगे। छोले छोले बनाने के लिए छोला हम ये बड़ी वाली चना है इसको भिगो के रखे थे नाइट के लिए, पूरा नाइट फुल नाइट। एक प्रेशर कुकर ले लिए हैं और इसमें पोटली बनाएंगे। ये है चाय की पत्ती, दालचीनी, बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, पांच लौंग और ये तेज पत्ता एक तोड़ दिए हैं। अब इसको एक पोटली बना लेंगे। इसकी एक पोटली बना लिए हैं हम। कुकर में हम चना को डाल देंगे। इसमें जाएगा पानी। पानी डाल दिए हैं, इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने वाला सोडा एक चुटकी। इसमें जाएगा नमक स्वाद के हिसाब से। अब ये जो पोटली बनाए थे इसको इसमें डाल देंगे और इसमें जो है ढक्कन लगा करके इसको बॉईल कर लेंगे। कुकर को लगा दिए गैस पे, इसको बंद करके इसमें दो सीटी लगाएंगे, फिर सिलो करके 5 मिनट पकाएंगे। इसको बॉईल करना है अभी। छोले हमारे जो है बॉईल हो गए हैं, देखिए कितना बढ़िया से। अब ये जो पोटली डाले थे ये पोटली को हम निकाल लेंगे, ये कोई काम का नहीं है, इसको फेंक देंगे। अब इसको दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। इसका पानी फेंकेंगे नहीं, सिम निकाल देंगे हम। हम एक थाली में निकाल लिए हैं, इसको रख देते हैं साइड में, चलते हैं इसका तड़का बनाने के लिए। तेल गरम कर लिए हैं, इसमें जाएगा जीरा। जीरा हमारा गरम हो रहा है, जीरा हमारा तड़क गया है। ये प्याज का पेस्ट डालेंगे, चार बड़ी प्याज थी इसको हम पेस्ट बना लिए। आप बारीक काट सकते हैं और इसको बढ़िया पकाएंगे 5 मिनट। जब तक मसाला दिखा देते हैं, मसाले में है हल्दी, धनिया, ये है छोला मसाला, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च गरम मसाला है ये, और ये है जीरा पाउडर, काला नमक, किचन किंग, इतना पाउडर है हमारे पास, ये डालेंगे। इसको पहले भूज लेते हैं बढ़िया से। ये हमारा प्याज देखो ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, ये पीस के रखे थे हम। डेढ़ चम्मच डालेंगे, इसको भी भूल देते हैं। अदरक लहसुन प्याज हमारा एकदम हो गया है, तेल छोड़ दिया है। और इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट, ये 3 टमाटर हैं, और इसको भी भूजेंगे। ये सब 2 मिनट हम पका लिए हैं। अब इसमें सारे मसाले जाएंगे, अब इसको बढ़िया से भूजेंगे। सारे मसाले डाल के इसमें भूजेंगे। इसमें जाएगी कस्तूरी मेथी, जो मसाला पाउडर हम बताए थे इसमें डाल के देखिए भूल दिए हैं, बस हम तेल छोड़ दिया है। सारे मसाले एकदम तैयार हो गए हैं, ये हम काटे हैं
हरी मिर्च ये डाल देंगे आप। अच्छा थोड़ा सा इसको भूजेंगे इसे घुमा के बस। तो अभी तैयार हो गए, इसमें जाएगा छोले चना, पानी सहित हम डालेंगे। अब इसको बढ़िया से घुमा के चला लेते हैं, सब मसाला इसमें आ जाए। अब सारे चने को हम मिला दिए इसमें, और याद रहे कि नमक हम पहले डाल चुके थे उबालने में, तो नमक आप चेक करके, अभी काला नमक भी इसमें मसाले साथ में हम डाले थे, तो अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप नमक डाल सकते हैं, ताकि हम नमक नहीं डालेंगे, ताकि हम नमक डाल चुके थे और जो मसाले डाले थे उसमें काला नमक डाल दिए थे, तो उतना बैकअप हो गया इसका। इसको भी हम 5 मिनट पकाएंगे। आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, 2 आलू कद्दूकस करके डाल सकते हैं, पर हम आलू नहीं डाले हैं, हम सादा चने के बना रहे हैं, आप आलू डाल सकते हैं। जब तक हमारा छोले तैयार हो जाए, तब तक हम जो है भटूरे के लिए डो तैयार कर लेते हैं। ये है मैदा, इसमें डालेंगे हम मीठा सोडा 1/2 चम्मच, 1 किलो मैदा है हमारा, इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, इसमें जाएगा नमक स्वाद के हिसाब से, इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगा 1 चम्मच चीनी, इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे थोड़ा सा, इसमें जाएगा दही। अब इसको जो है बढ़िया से घोट लेते हैं, अब इसको जो है सब मिला लेते हैं। सब बढ़िया से मिला लिए हैं दही वही सब, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोटेंगे, इसको गूंथा जाएगा, हल्का हल्का पानी डाल के गूंथना है। देखिए आटा लग गया है, अब इसको थोड़ा सा जो है इसको पीट पीट के बढ़िया से लोई बनाना है। हमारे पास रिफाइंड ऑयल है, इसमें लगा के हाथ में लगा के पीट पीट के बढ़िया से इसका एक लोई तैयार कर देना। लोई तैयार हो गई, इसको रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। मैदा को एक गीला कपड़ा से ढक कर रख दिए हैं, देखिए अब इसको हम 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं साइड में, जब तक हम देख लेते हैं हमारा छोले का क्या रंग निकला इसमें। इसको देखते हैं खोल के, ये कितना बढ़िया छोला तैयार हुआ है। अब इसको रखते हैं साइड में, अब भटूरा निकालते हैं। 20 मिनट हो गया है, अब इसकी हम लोई काट लेते हैं, तेल लगा के हाथ में लगाएंगे तेल, इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसी तरह लोई हम काट लेंगे। सारी लोई ऐसे हम बना करके रख देंगे। सारी चकवा काट लिए हैं, इस तरह से करके ऐसे दबा दबा के ऐसे हाथ में तेल लगा के इसे रख देते हैं सब। देखिए इसी तरह सारी लोई हम काट लिए हैं, इसको कपड़े से ढक के 10 मिनट छोड़ देते हैं। तो भटूरे हम इसे सब सेक लेते हैं, कढ़ाई छोटी है जो है तो तेल ऊपर नहीं डाल पा रहे हैं, तो डाल डाल के सेक लेते हैं। बड़ा है, छोटा छोटा हम बनाएंगे, बहुत बड़ा बना दिए थे, अभी दूसरा दिखाते हैं। इसी तरह हम सब बिल ले रहे हैं, ऐसे दोनों हाथ से उठाते हैं, चकवा छोटा कर लिए, कढ़ाई छोटी थी, ऐसे उठाए, ये देखिए अब इसको तेल में ऐसे डाल के हल्का से घुमा लेते हैं, और उसके बाद ऐसे ऊपर डाल देंगे। देखिए फूल जा रहा है, कितना बढ़िया फूल है, ये गुब्बारा जैसा।
इसी तरह जो है तेल ऊपर डाल करके सेकेंगे। पलट दिए, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बना है भटूरा। इसी तरह हम सब सेक लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए दूसरा डाल दिया, दूसरा भी फूल गया है। हम दूसरा भी जो है डाल देते हैं उसी हिसाब से जो है। देखिए पकड़िए इसे, इसे डाल के हल्का से घुमा दीजिए, बस मीडियम आंच करना है। उसके बाद इसे हल्का से दबा के सब फूल जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा तेल इसे ऊपर फेंक दीजिए। देखिए एकदम बालू जैसा फूला है। उसको पलट देते हैं, इधर भी सेक लेते हैं। ये इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए भटूरा। इसी तरह हम सब सेक लेते हैं फिर दिखाते हैं। सारा भटूरा हमारा तैयार करके रख ले रहे हैं और एक आध दो और दिखा देते हैं। देखिए कितना बढ़िया फूल गया। कढ़ाई छोटी है, थोड़ा सा बड़ी कढ़ाई बनाइए, बढ़िया बनेगा। इसको पलट देते हैं। इसको ऐसे निकाल देते हैं छान के बड़ी छन्नी से कि तेल ना आए। ये रख देते हैं साइड में और दिखाते हैं। देखिए कितना बन गया है, ये सब फूले फूले बने हैं। देखिए हमारा छोला भी तैयार हो गया, भटूरा भी तैयार हो गया है। अब चलते हैं प्लेटिंग करने के लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।